कि आप जहां से निकले हो वो स्थान मत भूलना कभी। ये जो शहर की गलियां है ना, ये आपको अपने मंजिल से भटका देती है, लेकिन आप जिस गली से आए हो उस गली में आपका शोर तभी होगा जब आप इन गलियों में आराम से शांति से रहकर तैयारी करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारी जो बुक का सॉल्यूशन चल रहा था, आइए उसको बढ़ाते हैं आगे। और आज उसी बुक का चैप्टर नंबर है आपके सामने 64। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही खास रहने वाला है, स्वतंत्रता सेनानी। आप इसको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी पढ़ सकते हैं और आप इसको व्यक्तित्व के रूप में भी पढ़ सकते हैं। जो भी हो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बड़े ध्यान से देखना है आपको और एक एक क्वेश्चन को समझना है। हम इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं स्वतंत्रता सेनानी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। ये क्वेश्चन जो है वो अभी सीईटी के अंदर आया, देख लीजिए, 8 जनवरी 2023 के शिफ्ट 2 में। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है आपको कि निम्न में से किसे भूदान, कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। निम्न में से ऐसी कौन सी महिला है जिसे भूदान या कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। बताइए, पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। बहुत अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने। जानकी देवी बजाज, नारायणी देवी वर्मा, रतन शास्त्री या अंजना देवी चौधरी। देखिए, इन महिलाओं को तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इनके पतिदेव को तो जानते ही हैं। जानकी देवी जो बजाज है वो जमनालाल बजाज की पत्नी है और जमनालाल बजाज को तो आप जानते ही हैं, जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन करता है जमनालाल बजाज। हमारे राजस्थान के भामाशाह हैं, गुलाम नंबर 4 है, गांधी जी के 5वें पुत्र हैं ये। नारायणी देवी जो वर्मा है वो आपके माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है और माणिक्यलाल जो वर्मा हैं इनको तो आप जानते ही हैं, जिन्हें मेवाड़ का गांधी बोलते हैं आप। रतन शास्त्री की हम बात करते हैं तो ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी है और हीरालाल शास्त्री को कौन नहीं जानता, हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम जो है। अंजना देवी जो चौधरी है ये आपके स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है, अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी है, रामनारायण चौधरी। ये याद रखिएगा, कई बार वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि पद्म विभूषण से सम्मानित जानकी देवी बजाज निम्न में से किसकी पत्नी है, याद रखिए। इसका जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जानकी देवी बजाज। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से भी बन सकता है कि राजस्थान की वे प्रथम महिला जो पद्म विभूषण से सम्मानित हुई थी, याद रखिएगा, जानकी देवी बजाज, पद्म विभूषण से सम्मानित राज्य की फर्स्ट महिला कौन है, तो याद रखिएगा, जानकी देवी बजाज। आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि राज्य की फर्स्ट महिला, राज्य की फर्स्ट महिला जिसे पद्मश्री से नवाजा गया, बताइए। हमारे राजस्थान की ऐसी पहली कौन सी महिला है जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, जानकी देवी बजाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा, लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आया अभी, क्या पूछा गया? पूछा गया निम्न में से कौन कवि नहीं थे, निम्न में से ऐसे कौन से हैं जो कवि नहीं थे, ये हमसे पूछा गया। विजय सिंह पथिक एक बहुत बड़े सेनानी रहे हैं, लेकिन साथ में ये कवि थे। इनकी जो रचना है वो आपने पढ़ी होगी, पीड़ितों का पंछीड़ा, इन्हीं का है, पीड़ितों का पंछीड़ा। जयनारायण व्यास की आप बात करते हैं तो जयनारायण व्यास की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे डंकेरी चोट, ऐसो दीजियो राज, और इसके अलावा पोपा बायरी पोल। माणिकलाल वर्मा की हम बात करते हैं तो इन्होंने स्वयं पंछीड़ा और अर्जी नामक गीत लिखे हैं। तो विजय सिंह पथिक कवि भी थे, डॉक्टर जयनारायण व्यास भी थे, माणिकलाल वर्मा भी थे, जनार्दन राय जो नागर है ये नहीं थे। बताइए ना, बीजी नाम से रचना करने वाले विजय सिंह पथिक नहीं थे, बीजी नाम से जो रचना करते थे वह है विजयदान देथा, ये थे वो अलग है। और विजयदान देथा की जो रचना है आपने सुनी होगी, बातारी फुलवारी है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर, जनार्दन राय नागर। ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3, लीजिए। पूछा जा रहा है उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की है। दो बातें हैं बड़ी खास, एक तो याद रखिएगा पंछीड़ा, एक होता है आपके पीड़ितों का पंछीड़ा, याद रखिएगा, एक है पंछीड़ा, एक है पीड़ितों का पंछीड़ा। पीड़ितों का पंछीड़ा पूछा जाए तो आपको याद रखना है विजय सिंह पथिक। केवल पंछीड़ा आए तो याद रखना है माणिकलाल वर्मा। पंछीड़ा माणिकलाल वर्मा, पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा। तो यहां पर आपके पंछीड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, माणिकलाल वर्मा याद रखने हैं दोनों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बस थोड़ा सा मिस हो सकता है और आपके ये गलत भी हो सकता है, याद रखना पंछीड़ा माणिकलाल वर्मा, पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी? ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको जेल के अंदर इतनी यातनाएं मिली कि उस परिणाम स्वरूप बरेली जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई? बताइए। ठीक है, बताइए। जोरावर सिंह बारठ है, केसरी सिंह बारठ है, प्रताप सिंह बारठ है और विजय सिंह बारठ है। देखिए
बरेली जेल के अंदर जाने वाले जो थे उनका नाम है प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ, प्रताप सिंह जो बारठ है केसरी सिंह बारठ के तो पुत्र थे और जोरावर सिंह बारठ के भतीजे थे ये। प्रताप सिंह जो बारठ है इनको बनारस षड्यंत्र केस के तहत, बनारस षड्यंत्र केस के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में इनको किस जेल में डाल दिया गया था? बरेली जेल में। वहीं पर एक अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स क्यूलैंड। इन्होंने कहा था कि तुम अपने साथियों के नाम बता दो क्योंकि तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें याद करके रोती बहुत है। तब प्रताप सिंह बारट ने कमेंट किया था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माँ को नहीं रुला सकता। ये कमेंट था प्रताप सिंह बारट का। और कहते हैं कि यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? प्रताप सिंह बारट की। तो पूछा जा सकता है प्रताप सिंह बारट को कौन से केस के तहत गिरफ्तार किया गया? बनारस षड्यंत्र केस। कौन सी जेल में रखा गया? बरेली जेल में। कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहा था तुम्हारी माँ रोती बहुत है इसलिए तुम अपने साथियों के नाम बता दो और अपनी माँ से मिल लो? या फिर प्रताप सिंह बारट का कथन पूछा जा सकता है कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं मेरी अकेली एक माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों या हजारों माँ को नहीं रुला सकता। ऐसा कमेंट था प्रताप सिंह बारट का। ठीक है, चलिए। अगला देखिए, क्वेश्चन है भीलवाड़ा में 1944 ईस्वी में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? महिला आश्रम, महिला आश्रम 1944, और इस आश्रम की स्थापना करने वाली है नारायणी देवी वर्मा। और नारायणी देवी जो वर्मा है ये आपके माणिकलाल वर्मा की पत्नी है। और याद रखिएगा ये मेवाड़ प्रजामंडल के तहत जेल में भी गई थी, नारायणी देवी वर्मा, याद रखिएगा। तो भीलवाड़ा के अंदर 1944 में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी वर्मा द्वारा की गई। ठीक है, तो दो तीन बातें याद रखनी है। नारायणी देवी वर्मा द्वारा महिला आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की गई थी ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्वेश्चन है अगला, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं कौन? राजस्थान के जतिन दास किन्हें कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा, प्रताप सिंह बारट, नाना भाई खाट या जोरावर सिंह बारट? देखिएगा राजस्थान के जतिन दास, जतिन दास आप सब जानते होंगे भूख हड़ताल की वजह से, भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी जतिन दास की। उसी प्रकार जोधपुर के अंदर और जोधपुर की जेल में भूख हड़ताल की थी बाल मुकुंद बिस्सा ने। किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा। और बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल की वजह से ही क्या हुई थी? मृत्यु। इसीलिए इनको क्या कहा गया था? राजस्थान का जतिन दास, याद रखिएगा इनको क्या कहा गया है? राजस्थान का जतिन दास। बाल मुकुंद जो बिस्सा है इनकी जो जन्म स्थली है वो तो नागौर रही है और नागौर के अंदर ही इन्होंने खादी का प्रचार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो ए इज करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा बाल मुकुंद बिस्सा। आप प्रजामंडल में इन व्यक्तित्व को पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। केसरी सिंह बारट ने
चेतावनी रा चुंगटिया किससे संबोधित करके लिखा था, किसे संबोधित करते हुए लिखा था? केशर सिंह बारठ, चेतावनी रा चुंगटिया। देखिए बात है 1903 की। 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन द्वारा दरबार लगाया गया था, एडवर्ड सप्तम का वहां पर राज्य रोहण था दिल्ली में, लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार। बात है 1903 की। इसी दरबार के अंदर भाग लेने जा रहे थे मेवाड़ के महाराणा, जिनका नाम है फतेह सिंह। केसरी सिंह बारट ने इसी फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 सोरठे लिखकर भेजे थे, डिंगल भाषा में। किसमें लिखे थे? डिंगल के अंदर। और ये 13 सोरठे ही इतिहास में क्या कहलाए हैं? चेतावनी रा चुंगटिया। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन द्वारा सज्जित दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। केसरी सिंह बारट ने इनको रोकने के लिए 13 सोरठे लिखकर भेजे, जिनको इतिहास में चेतावनी रा चुंगटिया कहा गया। फतेह सिंह गए भी नहीं थे बाद में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हाँ, शामिल नहीं हुए थे दरबार में। अगला देखें, अगला है हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना खाली जगह द्वारा की गई थी। देखिएगा, अजमेर की हम बात करते हैं ना, तो एक चीज समझिए, अजमेर मेरवाड़ा ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं 1 नवंबर 1956 के तहत राजस्थान के अंदर विलय होता है अजमेर मेरवाड़ा का। यह केंद्र शासित प्रदेश था। यह क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश। तो सिंपल सी बात है, इसकी अपनी एक अलग विधानसभा रही होगी। बिल्कुल रही है। अजमेर मेरवाड़ा की एक अलग विधानसभा थी जिसका नाम था धारासभा। टोटल सदस्य थे 30। इसीलिए अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र सीएम बनने वाले व्यक्ति थे हरिभाव उपाध्याय। हरिभाव उपाध्याय ने ही बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसका तीसरा चरण चलाया था, और हरिभाव उपाध्याय द्वारा ही, याद रखिएगा, अजमेर के अंदर जो हटुंडी है वहां पर गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। वो कौन है? हरिभाव उपाध्याय। बस इस बंदे का नाम जरूर ऐसे याद रखना है कि अजमेर मेरवाड़ा के ये एकमात्र सीएम रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए कितना नंबर है आपके सामने? 9। पूछा जा रहा है सीताराम लालस का संबंध रहा है। सीताराम लालस नाम आपने सुना होगा। सीताराम लालस ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 लाख से अधिक राजस्थानी शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया है। इंग्लिश में जैसे डिक्शनरी नहीं है, वैसे राजस्थानी भाषा के अंदर डिक्शनरी तैयार की थी। इसीलिए तो सीताराम लालस को कहा जाता है राजस्थानी जुबां की मसाल। राजस्थानी जुबां की मसाल कहा जाता है किन्हें? याद रखिएगा, सीताराम लालस राजस्थानी जुबां की मसाल। और इनका संबंध है वो राजस्थानी शब्दकोश से है, याद रखिएगा। बिल्कुल, 2 लाख से अधिक शब्द तैयार किए हैं इन्होंने राजस्थानी भाषा के। तो इनका संबंध रहा है राजस्थानी
शब्दकोश से। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? केसरी सिंह जो बारठ है, इनको कैद किया गया था हजारीबाग जेल जो बिहार में है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, आपको पता हो तो इनको गिरफ्तार किया था महंत साधु प्यारेलाल हत्याकांड के तहत। जोधपुर के जो साधु थे ना, इनकी हत्या के तहत। तो ये तो सही है। अर्जुन लाल जो सेठी है वो बेलूर जेल में थे। अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल में थे जबकि प्रताप सिंह बारठ बरेली जेल में थे, याद रखना। ये भी ठीक है। विजय सिंह जो पतिक है, इनका संबंध है टोडगढ़ जेल से। बिल्कुल सही है, टोडगढ़ जेल से भूप सिंह फरार होते हैं और विजय सिंह पतिक बन जाते हैं। ये भी सही है। जोरावर सिंह जो बारठ है, इनका संबंध बरेली जेल से नहीं रहा है, क्योंकि बरेली जेल से जिनका संबंध है वो है आपके, याद रखिएगा, प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ, तो प्रताप सिंह बारठ का संबंध रहा है, याद रखिएगा, बरेली जेल से। बेलूर जेल से संबंध रहा है अर्जुन लाल सेठी का। हजारीबाग जेल से संबंध रहा है केसरी सिंह बारठ का, क्योंकि जोरावर सिंह जो बारठ हैं, ये कभी अंग्रेजों के हाथ लगे ही नहीं थे, इसीलिए जोरावर सिंह बारठ को तो कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर। जिया भी आजाद और मरा भी आजाद। अंग्रेजों के कभी हाथ भी नहीं आए थे, कौन, ना तो चंद्रशेखर आए थे ना हमारे राजस्थान के चंद्रशेखर जोरावर सिंह बारठ, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। हाँ लक्की शर्मा जी, शाबाश, वीडियो के पद पर आपकी ज्वाइनिंग है, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, पीएसआई का आप इंटरव्यू भी दे के आए हैं, अग्रिम और बधाई आपको। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे। लीजिए, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? ऐसे कौन से नेता हैं मारवाड़ लोक परिषद के, जिनकी जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? भंवरलाल शर्मा, आनंदराज सुराणा, बाल मुकुंद बिस्सा, रणछोड़ दास घटानी। इनमें से जिसकी मृत्यु हुई थी मारवाड़ लोक परिषद के नेता के अन्याय के खिलाफ, वो है बाल मुकुंद बिस्सा। ये जो बाल मुकुंद बिस्सा है ना, इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास। इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके 1908 में पीलवा गांव में, और पीलवा जो गांव है वो नागौर जिले की डीडवाना तहसील में आता है, याद रखिएगा। और इनकी भूख हड़ताल के कारण ही क्या हुई है, याद रखिएगा, मृत्यु। और ये मृत्यु कब हुई है, तो 19 जून 1942 को। राजस्थान के जतिन दास हैं बाल मुकुंद बिस्सा। ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल की और मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन हमारे राजस्थान जो भी सरकार है उनके लिए शर्मनाक बात है कि इनका जो परिवार है बाल मुकुंद बिस्सा का, जोधपुर के जालोरी गेट के पास के अंदर पानी नहीं आ रहा है इनके घर में, इसीलिए धरने पर बैठे थे कभी। ये कुछ महीने पहले की ही बातें हैं। बाल मुकुंद बिस्सा की फैमिली धरने पर बैठी है कि घर में पानी नहीं आ रहा है,
और हम यहां बड़े शान से इनको पढ़ते हैं। हालत खराब है जी, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। हाँ, ये सरकार, ये नेता किसी के नहीं होते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए आप तो, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12, क्या है देखिए, पूछा जा रहा है आपको किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कठराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। याद आया, कठराथल सम्मेलन, कठराथल सम्मेलन, और ये कठराथल सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934। सीहोर के जो ठाकुर थे उनके द्वारा महिलाओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इसीलिए शेखावटी की महिलाएं परेशान हो गई थी उस ठाकुर से, और उनके खिलाफ एक सम्मेलन का आयोजित किया था 25 अप्रैल 1934 के अंदर सीकर जिले के कठराथल नामक स्थान पर, जहां पर 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी। कितनी, ये बहुत बड़ी बात है, 10,000 महिलाएं फिर कभी एकत्रित नहीं हुई है, और ये जो 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई है ये किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा किशोरी देवी के नेतृत्व, और ये जो किशोरी देवी है इनके पति का नाम है, याद रखिएगा, हरलाल सिंह खर्रा, हरलाल सिंह खर्रा। कठराथल सम्मेलन की 5 बातें हैं, कौन कौन सी देखो, पहली बात यह है कि कठराथल सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था, तो याद रखना कठराथल स्थान सीकर में है। कब आयोजन हुआ था, तो 25 अप्रैल 1934। तीसरी बात, किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा किशोरी देवी, जो कि हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है। अच्छा, एक और फैक्ट बनता है कि यहां पर वक्ता के रूप में किसने कार्य किया, तो याद रखिएगा उत्तमा देवी, जो ठाकुर देशराज की पत्नी है। और पांचवी लाइन याद रखिएगा, 10,000 महिलाएं आई थी यहां पर, कितनी, 10,000 महिलाएं। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा किशोरी देवी, किशोरी देवी याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13, पूछा जा रहा है जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे। जैसलमेर का जो गुंडा राज है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए। देखिए, माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा की जो पुस्तक है वो है मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान अवस्था। डॉक्टर जेनान व्यास की अगर पुस्तकों की मैं चर्चा करूं तो आती है मारवाड़ की अवस्था, पोपा बायरी पोल। हीरालाल शास्त्री की यदि हम बात करें तो एक तो इनका गीत है परले प्रतीक्षा नमो नमे, और एक इनकी पुस्तक है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र फॉर शास्त्री जी। और सागरमल जो गोपा है, इनकी दो पुस्तकें हैं, एक तो है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, और एक है गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज। तो माणिकलाल वर्मा मेवाड़ की वर्तमान अवस्था, सागरमल गोपा आजादी के दीवाने या जैसलमेर का गुंडा राज, हीरालाल शास्त्री प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और डॉक्टर जयनारायण व्यास मारवाड़ की अवस्था, और पापा वायरी पोल याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर,
सागरमल गोपा नाम आप जानते होंगे। इनको जब जेल में जिंदा जलाया गया था तब जैसलमेर में एक नारा गूंजा था, खून के बदले खून। आप जैसलमेर जब प्रजामंडल पढ़ते हैं तो सागरमल गोपा की तो बातें पढ़ते हैं हम। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री, नारायणी देवी वर्मा, रम्माबाई या विजया देवी? ये देखिए जो शांताबाई शिक्षा कुटीर है ना, यही आगे चलकर बनती है आपके सामने वनस्थली विद्यापीठ। और टोंक की बात है, ये कहां पर है याद रखिएगा, निवई टोंक। और टोंक की बात आ गई है तो महिला हो जाएगी आपके हीरालाल शास्त्री की पत्नी, हीरालाल शास्त्री की पत्नी जिनका नाम है रतन शास्त्री या रत्ना शास्त्री, एक ही बात है। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, शांताबाई शिक्षा कुटीर। नारायणी देवी वर्मा ने तो हमने देखा था कि भीलवाड़ा के अंदर 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की थी। किसने? नारायणी देवी वर्मा ने। तो ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? ऐसी कौन सी महिला है जो जेल नहीं गई थी? कालीबाई, रत्ना शास्त्री, नारायणी देवी वर्मा या अंजना देवी चौधरी? याद रखिएगा स्वतंत्रता संग्राम के तहत सर्वप्रथम जेल जाने वाली जो महिला है वह है अंजना देवी चौधरी 1930 में। नारायणी देवी वर्मा की बात हम करते हैं तो ये भी मेवाड़ प्रजामंडल के तहत 1939 के अंदर जेल गए थे। रत्ना शास्त्री भी जेल गए थे। तीनों ऐसी महिलाएं हैं जो जेल में गई, लेकिन कालीबाई आप सब जानते हैं एक 13 वर्षीय बालिका है जिन्होंने अपने शिक्षक को बचाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था और अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था कालीबाई को। पता है आपको, डूंगरपुर जिले के पाल के रास्ते में, यानी कि पाल गांव है और उसके रास्ते में घटना, रास्ता पाल की घटना, वही है ये कालीबाई जिन्हें कहा जाता है राजस्थान में साक्षरता की देवी। और वैसे साक्षरता की देवी किसे बोलते हैं? कालीबाई, जिसका पनोरमा स्थापित किया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेप सागर झील के पास डूंगरपुर, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 16। डूंग जी और जवार जी किस जिले के थे? डूंग जी और जवार जी, बलजी और भूरजी इनका वास्तविक नाम था, इन्हें आप राजस्थान का रोबिन हुड बोलते हैं, राजस्थान का रोबिन हुड, राजस्थान का क्या बोलते हैं, रोबिन हुड, याद रखिएगा। डूंग जी और जमार जी, बैठोट पटोदा गांव से हैं और ये कहां पर है तो याद रखिएगा शिक्कर में। कहां पर है ये? शिक्कर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा डूंग जी और जमार जी शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता हैं ये। अगला, वीरांगना कालीबाई
जिसने अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी वे कहां की रहने वाली थी, बताइएगा। अभी हमने कुछ क्वेश्चन किया भी था। बताइए, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। वीरांगना जो कि कालीबाई है, आपको पता हो तो एक हत्याकांड होता है रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर जिले के अंदर 1947, आजादी से कुछ पहले जून 1947 के अंदर, 19 जून 1947 के अंदर रास्तापाल हत्याकांड होता है, जहां पर कालीबाई एक 13 वर्षीय बालिका देखती है कि उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको वाहन के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा है अंग्रेजों द्वारा। तब कालीबाई गई और कहते हैं कालीबाई और इनके अध्यापक दोनों को ही गोलियों से भून दिया गया था। ये जहां की रहने वाली है वो है रास्तापाल, और रास्तापाल आपके डूंगरपुर में, ठीक है। अगला देखिए, रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित है? रास्तापाल जो सत्याग्रह हुआ था उससे कौन संबंधित है? रास्तापाल सत्याग्रह का मतलब वो रास्तापाल की घटना ही है, रास्तापाल की जो घटना हुई थी ना वही है। और रास्तापाल की जो घटना है वो किस जिले में हुई? तो याद रखिएगा डूंगरपुर के अंदर। किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा वीरांगना कालीबाई से। इनका जो पेनोरमा है, पेनोरमा वो कहां स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा गेप सागर झील के पास, और गेप सागर जो झील है वो है आपके डूंगरपुर में। यहां पर इनकी मूर्ति भी है, कालीबाई की जो मूर्ति है काले पत्थर की, याद रखिएगा ये पूछा गया है किस पत्थर की है, काले पत्थर की जो मूर्ति है वो यहीं पर है, याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। कालीबाई संबंधित थी, कालीबाई से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बताइए कालीबाई का संबंध किससे रहा है? तो मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कालीबाई का संबंध जिस क्षेत्र से है वो है रास्तापाल क्षेत्र, और रास्तापाल जिस गांव का है वो है डूंगरपुर राज्य से। किस राज्य से संबंधित है? डूंगरपुर राज्य से, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन। अगला, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? कालीबाई जो है वो राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है ये आपको बताना है, बताइएगा। कालीबाई जो है वो आपके किस आंदोलन से है? तो आप कहेंगे रास्तापाल जो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है। ये जैसा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, वापस इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया और अब भी ये पूछा जा रहा है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, फटाफट इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था। फटाफट बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? तो मेरे हिसाब समझ गए होंगे आप सब, कालीबाई, रास्तापाल की घटना वाली बात है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। राजस्थान की ऐसी कौन सी महिला है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा रही है। ऑप्शन है सुशीला देवी, एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी और अंजना देवी चौधरी। मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं है, अंजना देवी चौधरी। याद रखिएगा 1930 के अंदर ये जेल गई थी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली जो राजस्थान की महिला है वह है अंजना देवी चौधरी। ये रामनारायण चौधरी की पत्नी है, रामनारायण चौधरी की पत्नी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला 23 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक वे सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ वे बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया था। अजमेर की कौन सी महिला है, कोकिला देवी, शकुंतला देवी त्रिवेदी, अंजना देवी चौधरी या सत्यवती शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, अंजना देवी चौधरी, जो अजमेर की एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी और इनको मेवाड़ वे बूंदी राज्यों से क्या कर दिया गया था, निर्वासन कर दिया गया था। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भूंदी गई वे किस जिले की थी। 1947 के अंदर रास्तापाल की घटना, कालीबाई जो अपने शिक्षक सेंगा भाई को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी, वो जिस जिले से संबंधित है वह है डूंगरपुर, जिस स्थान से संबंधित है वह है रास्तापाल, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार वे निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है। ये लीजिए क्वेश्चन जिसको हम बार बार पढ़ रहे थे कि राजस्थान की पहली महिला जिसको स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था, याद रखिएगा वह है आपके अंजना देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की पत्नी। अभी हमने पढ़ा था ना कि मेवाड़ और बूंदी से निर्वासन कर दिया गया था इनका। क्वेश्चन नंबर है 26, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26, स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट का जन्म, केसरी सिंह बारट का जन्म कहां हुआ, नशीराबाद में, खरवा, मांडलगढ़ या फिर शाहपुरा, बताइए कहां पर हुआ था। आप कहेंगे सर केसरी सिंह बारट का जो जन्म है वो देवपुरा में हुआ था, और ये देवपुरा कहां पर है, तो याद रखिएगा शाहपुरा, कहां पर है, शाहपुरा के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके 27, निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया था, नगर सभा, वीर भारत सभा, ग्राम सभा या बाल सभा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 27 है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बताइए हाँ इन्होंने किसकी स्थापना की थी। निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट, देखिए केसरी सिंह बारट द्वारा
जो संगठन स्थापित किया गया था 1910 के अंदर कोटा जिले में, वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा, वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 कोटा के अंदर करने वाले कौन थे, केसरी सिंह भारत, याद रखिएगा, वीर भारत सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीर भारत सभा। अगला क्वेश्चन नंबर है 28, ये लीजिए, क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, बस पूछने का तरीका अलग हुआ है। राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब और कहां किया था? तो वीर भारत जो सभा है वो 1910 के अंदर है, कहां पर है, कोटा के अंदर है, और स्थापना करने वाले कौन है, तो याद रखिएगा केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत की जन्म स्थली है शाहपुरा, इनकी कर्म स्थली रही है, याद रखिएगा, कोटा। केसरी सिंह भारत 1910, ऑप्शन नंबर डी। ये जो भारत फैमिली है ना, हाँ याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन नंबर है 29, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? अब वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका चेंज करता है वो कभी पूछता है कब की, किसने की, कभी केवल पूछता है किसने की, बताइए। अब वीर भारत सभा, मेरे हिसाब से पूरी कहानी आपको याद हो गई होगी, वीर भारत सभा 1910 कोटा केसरी सिंह भारत, याद हो गया ना, याद रखिएगा, यहां पर जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, केसरी सिंह भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 30, बताइए, क्वेश्चन नंबर है 30, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वॉइसरॉय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे, बताइए। बात है दिल्ली दरबार की, आपको पता हो तो, दिल्ली दरबार 1903 रॉयल किंग लॉर्ड केनिंग, सॉरी लॉर्ड कर्जन का दरबार 1903 की बात, और स्थान दिल्ली, एडवर्ड सप्तम का राज्य रोहण, भाग लेने जा रहे हैं मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। केसरी सिंह भारत द्वारा 13 सोटे लिखकर भेजे थे, जिन्हें इतिहास में चेतावनी राचुंगटिया कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हाँ, लॉर्ड कर्जन 1903 दिल्ली दरबार, एडवर्ड सप्तम का राज्य रोहण, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का उस दरबार में भाग लेने जाना, बट केसरी सिंह द्वारा रोकना, और क्या लिखा गया, याद रखिएगा, 13 सोटे, जिन्हें इतिहास में क्या कहा गया है, चेतावनी रा चुंगटिया, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने 30 क्वेश्चन किए थे स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित। कल इस सेशन को इससे आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं कालीबाई भारत फैमिली, इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इन पर फोकस करें। बाकी कल जब हम पढ़ेंगे तो अर्जुन लाल शेट्टी जैसे व्यक्तित्व हमारे सामने आएंगे, जमुना लाल बजाज जैसे व्यक्तित्व हमारे सामने आएंगे, ठीक है, तो उनकी जो चर्चा है वो हम करेंगे कल के सेशन में। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और मस्त पढ़िए और मस्त रहिए, और ज्यादातर पढ़ाई पर आप ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, धन्यवाद।